हरे कृष्णा, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में कि जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आज आपको क्या करना है, आज आपकी प्रगति किस क्षेत्र में होगी, माली हालत कैसी होगी, रुका हुआ धन मिलेगा या नहीं, ये सभी बताएंगे। सरकार से क्या लाभ मिलेगा, सरकारी योजनाओं में क्या लाभ मिलने वाला है, सरकार से लाभ मिलेगा या पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। और आज आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, ये भी बताएंगे। और सावधानियां क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है, सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और यदि आपको ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा, मन में कोई प्रश्न जानना चाहते हैं तो आप क्या करें कि इनबॉक्स में जाएं, वहां अपना नाम लिखें, जन्मतिथि, जन्मस्थान और जन्म समय लिख करके भेजें और क्या जानना चाहते हैं वो प्रश्न लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कि जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन व्यावसायिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप शेयर ट्रेडिंग या नए तरह का कार्य, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या होजरी के क्षेत्र में अगर कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो आज आपका दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। सरकारी कार्यों से लाभ मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है, पत्नी का सुख मिलेगा, माता पिता का सुख मिलेगा। यदि भूमि भवन जमीन इत्यादि आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप रियल इस्टेट प्रॉपर्टी वगैरह में पूंजी इन्वेस्ट करने की प्लान कर रखे हैं तो उसके लिए भी आज आपका दिन बढ़िया है, आपको लाभप्रद रहेगा। आपके लिए घर में भाई बहन किसी की शादी नहीं हुई है तो शादी होती तय हो सकती है। घर में नए मेहमान के आगमन की भी शुभ समाचार आपको मिल सकता है और देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। माता पिता का सुख मिलेगा, माता पिता के स्वास्थ्य की जो चिंता है वो समाप्त होगी, जो बहुत दिनों से स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी आ रही थी वो समाप्त हो जाएगा। और प्रॉपर्टी से पैसे मिलेंगे, रियल इस्टेट वगैरह की जब व्यापार करने की प्लान कर रखे हैं तो उसमें आज आपको सफलता मिलेगी। द्रुतगत की गाड़ी न चलावें। साझेदारी में कोई कार्य नहीं करना है। यदि कोई आकर के आपसे बड़े लेवल पर डील करना चाहता है तो उसको बच्चे नहीं तो उसमें आपको कोई चीट कर सकता है, धोखा कर सकता है, इसलिए उसमें इन्वॉल्व ना हो। और पत्नी की हेल्थ को लेकर के भी मन में जो चिंता समाप्त होगी, पत्नी का सुख सहयोग मिलेगा, नए तरह के कार्य मिलेंगे। और शिक्षा से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। फाइनेंस में, मीडिया में यदि आप हैं और इसमें नौकरी कर रहे हैं तो आज आपका प्रमोशन मिल सकता है, आपको स्थानांतरण मिलने की भी संभावना बन रही है। और काफ़ी दिनों से जिस चीज़ के लिए आप एफर्ट करें उसमें भी आपको अप्रत्याशित रूप से सफलता मिलते हुए दिख रही है। संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, माता पिता पत्नी का सुख मिलेगा और दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही अच्छा होगा। नए तरह के कार्य कर सकते हैं, उसके लिए आज का टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। आज आपको सावधानी की आवश्यकता नहीं है, गुस्सा आज आपको नहीं करना। उपाय क्या करना है, आज आपको उपाय ये करना है कि भगवान श्री गणेश की आराधना करें, गौशाला में जाके गाय को हरा मूंग अपने हाथ से खिलावें, अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है 6 ग्रीन। हरे कृष्ण।